ये फॉर्म मैं ही लाई हूं, और अगर कुछ फॉर्म भरने में गलती वगैरह हो जाए तो एक्स्ट्रा कॉपीज है। आपने देव को नौकरी पे रखा है और मुझे बताया भी नहीं। मैंने देव को यहाँ पर इसलिए नौकरी दी है ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं, ताकि वो तुमसे और अमला से दूर रहे। अबीर ने भेजा ना तुझे? आ जाओ, बता दे अबीर को कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। बोल दे रास्ते, डरने वाला नहीं मैं। देखो मरवाने चला था ना अभी, लेकिन अब तुझे मारूंगा मैं, और वो भी इसी पिस्तौल से। बुआ देखो ना कितने अच्छे अच्छे आम हैं, अपने धर्मशाला में जो मिलते हैं उनसे भी बड़े आम हैं ये तो। इनके नाम देखो ना कितने अलग हैं, अल्फांसो, ऐसे तोतापुरी, लंगड़ा, हाफल। सोच ये आम इतने बढ़िया हैं तो इनका मैंगो शेक कितना बढ़िया होगा। मैं अच्छा बहुत बोलने लगे तुम, चलो चलो मुंह धो, थोड़ो से जाओ मुंह धो। मिक्सर खराब है, वो फट जाएगा वो मिक्सर। अरे वो मिक्सर यूज मत करो। बुआ हाथ छोड़ो, वो फट जाएगा। अरे हाथ कैसे छोड़ू, छोड़ूंगी तो बाहर गिर जाएगा। मैंगो शेक बनाया है, ये मैंगो शेक कितना टेस्टी है, बिना चीनी के भी अच्छा है। अच्छा वो आपने सिर्फ बुआ को ही बचाया, अगर मुझे बचा लेते तो ये मैंगो शेक की बारिश मुझ पे कैसे आती। बुआ अब ऐसे ही मुझे मैंगो शेक देना, बुआ स्पेशल। अनु चलो। मेरे जोधपुर जाने के बाद तुम माही के साथ दिल्ली निकल जाना और वहां जाकर मानविंदर जी से बात करना। फिफ्थ प्लेस बात को समझो, जो भी डाउट्स थे माही के दिमाग में वो इस वक्त क्लियर हो चुके हैं। शी ट्रस्ट यू राइट नाउ। मानविंदर जी के पास जाओ और उनको कन्विंस करो कि वो माही के साथ तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दे, और जब तक वो मान नहीं जाते सुबीर यू आर नॉट कमिंग बैक, यू अंडरस्टैंड? Excuse me, sir. Yeah. आपसे important बात करनी है। Not right now, Mr. I'm really very late. Later. Excuse me. Hey, babe. Hi, baby. Guess मैं किसके साथ हूँ? मामा जी के साथ। Mom कहाँ मिल गई तुम्हें? I was going for shopping, so I picked her up. क्या क्योंकि अगर हो
ठीक से खड़ा रहे। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जो पुराना मिक्सर था ना, वो फट गया। खराब। कुआं के ऊपर बारिश होने वाली थी, लेकिन एबी ने बचा लिया। एबी के बारिश, ये क्या बोले जा रहे तू? एबी के मतलब अबीर बुआ जी की मासो। और ये पटने वाला क्या था? एबी को सब पता है, अब पुलिस से पूछो। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो मुझे डांट देगी। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां एक दिन। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? मासो, अब कभी है? इतने दिन बाद तुझे किसी चीज में मन लगा के काम करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिक्सर का किस्सा क्या है? किस्सा मिक्सर का नहीं है मासो, किस्सा उस जिद्दी लड़की का है जो कभी किसी की बात नहीं सुनती। मतलब हुआ क्या? ये मिक्सर ठीक से काम नहीं कर रहा था, मैंने बोला भी उसको, पर वही है ना कि मेरी हर बात तो उसको गलत लगती है, सुनती नहीं है। वो कुछ तो इसमें मैंगो शेक बना रही थी, वो ये फटने ही वाला था, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता चोट लग जाती। ये भगवान, अभी ठीक कर रहा हूँ इसको रिपेयर, कि अगली बार खतरा ना हो। उसे चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं ठीक है, पर ये मेरी शर्ट, ये पूरा मैंगो शेक पी गई। 3-4 बार धोना पड़ेगा इसको, तब जाके इसके दाग जाएंगे। अभी हमला का गुस्सा भी इस दाग की तरह है। चित्ती, एक बार माफी मांगने से नहीं जाएगा, जिससे धीरे धीरे बार बार माफी मांगकर उसके गुस्से को कम करना होगा। प्यार से उसे फिर वही हमला बनाना होगा पहले जैसे। मुझे ऐसा करने देता बना मासो, अब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे माँ बाबू जी चले गए, तब से उसको ये डर लगता था कि सब कोई उसको छोड़ के चला जाएगा। नहीं करने देगी, पर तुझे कोशिश करनी है, बार बार करनी है, जब तक कि उसकी नफरत पूरी तरह से नहीं मिट जाए। मासूम, मेरी कोशिश करने से तो उसको नफरत है, मैं जितनी कोशिश करता हूँ उसको उतनी तकलीफ होती है, क्या करूं मैं? कई बार तो मन करता है कि जैसे चला जाऊं यहां से। हबीर, तू उससे दूर जाना चाहता है, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाकर भागना चाहता है? अबीर, मैंने और निकिदाई ने बचपन से तुझे ये नहीं सिखाया तो मुसीबत आने पर मुंह छुपा के भाग जाए, तो कहीं नहीं जाएगा। सुन रहा है ना तू? ये दे दो उसको, ठीक हो गई। इतने मैंगो शेक बनाने बनाए अभी। तो वेडिंग ड्रेस कहाँ से बनवाना? Have you decided? I'm thinking एक बार लंदन हो आऊँ। Sure, why not? है ना? I just want to look the best that day. You're gonna look the best that day. Thanks, mom. You know, mama, I feel so lucky. मेरी लाइफ में जितनी भी विशेस थी ना, सब मॉम डैड ने फुलफिल की है। Like every single one. And all the other good things in life that I deserve, वो अपने आप ही मेरे पास आ गई। Like Subir. Black coffee or some milk? Black coffee. You know, जब न्यूज़पेपर में
जो सब लिखा था एंड आफ्टर आई रेड ऑल दैट आई वाज सो सो डिस्टर्ब्ड एंड आई एम श्योर आप भी बहुत इफेक्ट हुए होंगे बट नाउ आई हैव नो मोर डाउट्स आई टोटली ट्रस्ट सुवीर यू नो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा एंड आई एम रियली सॉरी मामा सुवीर पे डाउट करके मैंने आपको हर्ट किया है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मैं बोलूं बैठो भाई क्या हुआ क्या बात है इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे वो बंदूक देव के हाथ लग गई क्या बंदूक कैसे आई उसके पास मलिक सर ने बोला था कि देव के पीछे आदमी लगाने का उस पर नजर रखने का और जरूरत पड़े तो उड़ा देने का उसको तो उसी के चक्कर में बंदूक देव के हाथ लग गई और ये बात तुम मुझे कब बता रहे हो सॉरी बॉस वो मलिक सर ने बोला अर्जेंट है तो आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तो आप क्यों बताने आए हो बड़े बॉस ने तुमको ऑर्डर दिया था ना तो जाओ अब बताओ बड़े बॉस को तुमने क्या किया है जाओ बताओ उनको मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था तुम्हारा काम है सिर्फ मुझसे ऑर्डर लेना और अगर तुमको ऑर्डर मिला भी था तो मुझको आकर बताना चाहिए था ना कितने की डील हुई है जीजा जी के साथ पांच पांच पेटी पांच पेटी अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस लफड़े से बचाऊं और जीजा जी की डांट से बचाऊं तो कल सुबह वो पांच पेटी कहां पहुंच जानी चाहिए तुम्हें पता है ना जाओ और हां एक मिनट अगली बार मुझसे बिना पूछे या मुझे बिना बताए तुम अपना हाथ भी नहीं हिलाओगे Do you understand? जा हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे माँ बाबू जी चले गए तब से उसको ये डर लगता था कि सब कोई उसको छोड़ के चला जाएगा ताई निकालना क्यों भूल जाती हो हर बार ध्यान पता नहीं कहां रहता है तुम्हारा मैंने बोला था ना तुम्हें शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है अच्छे से जानती हूँ कौन सी पार्टी में जाते हो तुम अरे यार ये बटन भी जल्दी लगाओ इसे दूसरी शर्ट पहन लो बटन लगाओ देर हो रही है इसलिए कह रही हूँ दूसरी शर्ट पहन लो टाइम लग जाएगा मुझे यही शर्ट पहननी है तुम बटन लगा रही हो या नहीं लाओ शर्ट दो अरे अभी उतारने पहनने का टाइम नहीं है ऐसे लगा दो मान सही है सबकी लाइफ नॉर्मल है सब खुश है मुझसे ही प्रॉब्लम है देखा हो गया ना जल्दी कम ऑन यार अभी तक ऐसे चुपचाप मुंह लटकाए बैठी रहोगी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बेवकूफ हो ना जो अच्छे संस्कार में पली बड़ी इसलिए चुपचाप बैठी जो काम था वो कर दिया ना एक पत्नी का काम सिर्फ शर्ट पे बटन लगाना नहीं होता
इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद भी मत रखना, और अगर दोबारा ऐसा कुछ किया है ना तो ये भी करना छोड़ दूंगी। बड़े तेवर बदल गए तुम्हारे। ठीक है, मैं भी देखता हूं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। आईटीआई इंस्टीट्यूट है ना, अबीर ने वहीं से कोर्स किया हुआ है। ये सारे छोटे मोटे जोड़ तोड़ के काम तो खुद ही कर लेता है। मैं तो घर के टीवी फ्रिज सब अबीर से ही ठीक करवाती थी। एक किस्सा याद आ गया। बचपन में हम लोग जब छोटी थी ना, एकदम इतनी सी थी, तब हम लोग पुराने वाले घर में रहते थे। तो एक रात बहुत जोर से बारिश आई, बहुत जोर से। तो हमारे पुराने घर की छत है ना, एकदम खराब थी, टूटी फूटी सी। तो हम लोग जहाँ पे सो रही थी ना, उसके कमरे में पानी टपकने लगा, टप 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 टप, उसके सिर के ऊपर गिरा था, और वो बिस्तर में सोते सोते पूरी भीग गई। फिर जब वो उठी ना, तो दौड़ के मेरे पास आई और मुझे ऐसे पकड़ लिया, और मेरे को डर के कह रही थी, पाओ पाओ देखो आसमान फटने वाला है, आसमान फटने वाला है। मुझे ऐसे कस के पकड़ रखा था, पूरी रात मेरे बाजू में ही बैठी रही, पूरी रात। सुबह भी उठी तो उधर ही मेरे बाजू में बैठी थी, बस मेरे साथ, बहुत प्यार करती थी मुझसे। बचपन में मैं जो भी करता था ना, उसको सब करना होता था। मैं जो भी खाना खाता था, उसको भी वही खाना खाने का। मैं कहीं जाता था तो मेरे पीछे पीछे आती थी, ऐसे ऐसे, कैसे पता, ऐसे ऐसे खड़ी होती थी, ऐसे छोटी सी, और ऐसे 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 ऐसे। वो चिड़िया होती है ना, वो काली सफेद, तो ऐसे खड़ी रहती है सफेद निकाल के, तो तोम 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 हम लोग को बचपन में है ना, मैं धाम बना के आता था, तो उसके अंदर मूंग राजमा दही ये सब मिला के बनाते, उसको बहुत पसंद है, बहुत मजे से खाती थी वो। अब हम लोग बहुत छोटे थे, तब हमारे माँ बाबू जी चले गए, तब से उसको ये डर लगता था कि सब कोई उसको छोड़ के चला जाएगा। जब भी रात को सोती थी ना, तो मुझे कहती थी, पाओ पाओ आप मुझे छोड़ के चले नहीं जाएंगे ना, मैं जब सुबह उठेंगी आप चले नहीं जाएंगे ना। मैं कहता था, पगली पगली है। सबसे ज्यादा मैं आमलू से प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। मैंने उनको बोला कि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। बचपन में ना वो कभी रोती नहीं थी, कभी नहीं।
सिर्फ हंसती रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, मुस्कुरा। लेकिन अब बिल्कुल नहीं मुस्कुराती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुस्कुराना भूल गई। आज अबीर हम सबके लिए धाम बनाने वाला है। हैं? आज अबीर हम सबके लिए धाम बनाने वाला है। हैं?